बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागीरथ चौधरी मंत्री बनेंगे ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी यह है कि अजमेर से लोकसभा सांसद है भागीरथ चौधरी और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेंगे तो उसके बाद उनकी टीम का जो हिस्सा बनेंगे यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे माना जा रहा है कि उन्हें मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भागीरथ चौधरी। अर्जुना मेघवाल भी मंत्री बनेंगे ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं जो है वो गूंज रही है। बताया जा रहा है कि भागीरथ चौधरी मंत्री बनेंगे और इसके साथ साथ जानकारी ये भी सामने निकल कर आ पाई है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सियासी गलियारों से जुड़ी पहुंचा रहे अजमेर से लोकसभा सांसद है भागीरथ चौधरी और अब वो मंत्रियों की रेस में शामिल हो चुके हैं। आज बता चले चाय पर चर्चा जो है प्रधानमंत्री ने करने के लिए सभी नव निर्वाचित सांसदों को बुलाया है और इसी के बाद बताया जा रहा है कि जो एक एक नाम छन के सामने निकल कर आ रहे हैं वो आपका अपना चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है कि मंत्री पद की रेस में किन सांसदों का नाम जो है वो आगे चल रहा है और इनमें अब अर्जुना मेघवाल भी शामिल हो चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भागीरथ चौधरी इस वक्त की बड़ी खबर। अजमेर से लोकसभा सांसद हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे शाम 7:15 पर पीएम मोदी और बताया जा रहा है कि उसके बाद जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जैसे रक्षा वित्त और विदेश इनके जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और इसके उधर और ज्यादा जानकारी लेंगे पवन हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। पवन तैयारियां कैसी चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर के कहां मौजूद है बताइएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देखभाल और गजेंद्र अवध सरकार का भी मंत्री थे सामंतवाल पहुंच चुके हैं। भागीरथ चौधरी राजस्थान से तो नाम आगे चल रहा है ये पवन हमें बता रहे हैं। बिल्कुल पवन और अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम जो है वो आगे चल रहा है मंत्री पद की रेस में। बताया जा रहा है कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो राजतिलक की तैयारी पूरी कर ली गई है। शाम 7:15 वो समय होगा जब एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो दर्ज हो जाएगा। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन किन किन लोगों का नाम आगे चल रहा है बता रहे थे आप। देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जिन सांसदों को शामिल होना है मंत्री पद के रूप में शपथ लेनी है वो सभी लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। मैं इस समय प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हूं और अपने पीछे की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहां जो ये जो काफिला आप देख रहे हैं उन सभी लोगों का काफिला है जो यहां प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। दोपहर 12 से प्रधानमंत्री आवास के पर चाय पर चर्चा होनी थी तमाम लोगों के साथ में। खासकर अगर राजस्थान की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल और उनके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके अलावा भागीरथ चौधरी ये तीन लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। यानी कि ये तीनों का जो है वो मंत्री बनना तय है। अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे। भागीरथ चौधरी को नई एंट्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। तो ऐसे में राजस्थान से अब तक तीन लोग जो है प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। तकरीबन सभी जो लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगह मिलनी है वो यहां प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, उनके साथ साथ एचडी कुमारस्वामी, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल,
उनके अलावा जो है वो बीएल वर्मा और जो क्या कहते हैं बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तकरीबन 60 के आसपास मंत्री जो हैं वो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ में चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। पवन, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं और सियासी गलियारों में आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी इन्हें अपने पास रखेगी या फिर सहयोगी दलों के पास किसी मंत्रालय के जाने की संभावना, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर्स से शॉर्ट रह गई, 240 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जीती, लेकिन 240 सीटों के बाद में सिर्फ 32 सीटें रह जाती हैं सरकार बनाने की जरूरत के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार में पोजीशन कमजोर नहीं है, तो ऐसे में ये जाहिर है साफ तौर पर कि जो टॉप फोर जो पोर्टफोलियो है प्रधानमंत्री के अलावा, वो टॉप फोर के जो सारे जो पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें या फिर विदेश मंत्रालय की बात करें, ये चारों मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। ये डे वन से तय था कि ये चारों जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं टॉप फोर, जिनको सीसीएस भी मैं भी जो चारों मंत्रालय शामिल होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो ये चारों मंत्रालय बीजेपी के पास रहने वाले हैं। उसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उनको भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन इन चार के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनको लेकर सहयोगी के साथ लगातार चर्चा हुई, बातचीत हुई। आपने देखा कि पहले जैसे 4 जून को परिणाम आया तो 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक की और उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेता के रूप में चुना गया। उसके बाद में तमाम जो नेता हैं वो अगले 6 तारीख को एक एक करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं और वहां अमित शाह और जेपी नड्डा तमाम नेताओं के साथ, एनडीए के सहयोगी के साथ एक एक करके मुलाकात करते हैं, चाहे वो जेडीएस है, जेडीयू हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो, अपना दल एस हो या अन्य दल हो, उन सब जो दल सरकार में शामिल होने वाले हैं उन सब दल के नेताओं के साथ एक एक करके बातचीत होती है। और फिर कल जो है सुबह 11 बजे से और रात को 12 बजे तक बीजेपी जो गृहमंत्री है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उनके आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचते हैं और एक बहुत लंबी चर्चा उसमें होती है कि सहयोगी दलों को कौन कौन से पोर्टफोलियो देने हैं। बीजेपी से अगर बात करें तो किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाना है और किसको राज्य मंत्री बनाना है, तो इन सब नामों पर चर्चा हुई। चर्चा पूरी होने के बाद में एक लिस्ट तैयार की गई और फिर देर रात से ही तमाम नेताओं के पास बीजेपी अध्यक्ष के कार्यालय से फोन पहुंचना शुरू हो गया था जिनको कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। उसके बाद में आज सुबह से तमाम नेताओं को फिर प्रधानमंत्री आवास से फोन जाना शुरू हुआ कि आपको प्रधानमंत्री आवास पहुंचना है दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद में प्रधानमंत्री के साथ में चाय पर चर्चा शुरू होनी है। तो ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहने हैं, लेकिन कुछ मंत्रालय सहयोगी दलों के भी पास जाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। तो ऐसे में आज की जो हालात है तो एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना रही है, तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो एनडीए सहयोगियों को दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है टॉप फोर जो मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। ठीक है, पवन, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि खटपट जरूर होगी जब मनचाहा मंत्रालय जो है वो घटक दल के लोगों को नहीं मिल पाएगा, आपके पास क्या जानकारी है? सब कुछ ऑलवेज ऑल इज वेल है ना, क्योंकि चाय पर चर्चा भी हो रही है, लगातार बातचीत भी बीजेपी के दिग्गज नेता जो है घटक दल की पार्टियों के जो नव निर्वाचित सांसद है खास करके उनसे लगातार करते जा रहे हैं, मतलब देखा जा रहा है कि मना लिया गया है ना सबको। देखिए, एनडीए के अंदर ऑल इज वेल है और यही संदेश जो है जो पहले दिन से देने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही जब चुनाव के परिणाम आए और दोपहर को दिखा कि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी उसको नहीं मिल पाएगी, तो उसके तुरंत बाद से ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उन्होंने एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, उनसे फोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया था, उनसे फोन पर संपर्क साधना शुरू कर दिया था। और उसको ठीक दूसरे दिन यानी 5 जून को ही प्रधानमंत्री ने एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक बुला ली थी और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के नेताओं ने सर्वसम्मति से एनडीए घटक दलों के नेता के रूप में चुन लिया गया है। उसके बाद में आपने देखा कि 7 जून को
जो है वो एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई और संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें तमाम सांसद जो एनडीए के मौजूद रहे, उसमें एनडीए संसदीय दल का प्रधानमंत्री को नेता चुना गया। उसके बाद में एक एक करके तमाम नेताओं की बातचीत हुई, चर्चा हुई कि किसको क्या क्या, किसको कैबिनेट दिया जा रहा है, किसको राज्यमंत्री दिया जा रहा है घटक दलों के बीच में। तो जब सारी चर्चा पूरी हो गई उसके बाद में समय तय किया गया कि 9 जून को शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि सबसे साथ चर्चा पूरी हो गई है। आप अगर नंबर्स की भी बात करें तो बीजेपी के पास अकेले 240 संख्या है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 232-233 सीटें हैं, उनसे ज्यादा अकेले बीजेपी के पास नंबर्स हैं। तो ऐसे में ज्यादा अगर बात करें बैलेंस सरकार की बात करें या फिर ज्यादा मजबूत सरकार की स्थिति की बनाने की स्थिति की बात करें तो बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर नीतीश कुमार या टीडीपी कहीं ना कहीं अगर उनका मन विचलित भी होता है, इधर उधर जाने की स्थिति में, कोशिश में भी रहते हैं, तब भी वो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ये बात वो सारे जो एनडीए घटक दल हैं वो इस बात को समझते भी हैं, इसलिए डे वन से ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन। लेकिन राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं, और जैसा हमने इतिहास में देखा भी है कि एक एक वोट से सरकार गिरी है, और यही वजह है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है। उनकी तरफ से यही कहा गया है ना कि हम इंतजार करेंगे। पवन, देखिए जाहिर तौर पर ये इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कहा गया है कि अभी हम सरकार नहीं बनाएंगे, कोई दावा पेश नहीं करेंगे, लेकिन हम बैठकर इंतजार करेंगे। उनको उम्मीद है कि हो सकता है एनडीए में आगे चल के कुछ खटपट हो, कुछ समस्याएं हो, कुछ दिक्कतें आए, तो उसके बाद में वो अपना कोशिश करने लगे। लेकिन जब अगर इंडिया गठबंधन के नेता या कांग्रेस के नेता ये कोशिश करेंगे तो ये आप जाहिर तौर पर आप मान सकते हैं कि इधर एनडीए में भी तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुप नहीं रहेंगे। बीजेपी के तमाम नेता भी कई सारे अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो तकरीबन 18 के आसपास जो इंडिपेंडेंट्स जो सांसद जो जीत के आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनसे संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा नजर आए। तो ऐसे में भले ही इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी तरफ से भले ही प्रयास करे, उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन फिलहाल जो है वो एनडीए एकजुट है, लगातार मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और आगामी दिनों में भी उम्मीद यही की जा रही है कि एनडीए एक साथ पूरे 5 साल तक सरकार चलाएगा। पवन, चिराग पासवान के बारे में क्या अपडेट आपके पास है? क्योंकि जब देखा गया था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जब पीएम मोदी का नाम आगे रखा था प्रधानमंत्री के लिए, तो उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के भाषण पर लोगों की नजर रही थी तो वो चिराग पासवान है। खुद को हनुमान बोलते हैं वो पीएम मोदी का। उनको लेकर के क्या जानकारी आपके पास? वो भी मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं, उनका नाम है? देखिए सिर्फ रेस में आगे नहीं चल रहे हैं, उनकी मंत्री पद में सीट जो है वो कंफर्म हो चुकी है और वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, और संभवत है क्योंकि उनके 5 में से 5 जो है सांसद जीत के आए हैं, यानी 100% स्ट्राइक रेट, तो उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। इससे पहले उनके चाचा जो है वो कैबिनेट मंत्री थे पशुपति पारस, उनसे पहले जब उनके पिताजी रामविलास पासवान जब जिंदा थे तो वो कैबिनेट में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रहे थे। तो ऐसे में जो है वो चिराग पासवान को भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगह दी जाएगी और कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि लगातार उनके जो रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बहुत अच्छे हैं। जब आप देखेंगे संसदीय दल की अगर तस्वीर भी देखेंगे तो जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर, उन्होंने बैठे बैठे उनको गले लगाया, अपने सीने से प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को लगा लिया। कई सारे मौके ऐसे हैं कि जो चिराग पासवान को सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री और चिराग पासवान के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। ऐसा माना भी जाता है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब रामविलास पासवान कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे कि वो यूपीए के हिस्सा रहे हैं या एनडीए में शामिल हों, तो चिराग पासवान ही ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि आप एनडीए का हिस्सा बनिए, यहां भविष्य ज्यादा उज्जवल है। उनके कन्विंस करने के बाद में ही रामविलास पासवान जो है वो कहीं ना कहीं 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बने थे। तो ऐसे चिराग पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमेशा आपने देखा कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सरकार में किस तरह से शामिल होंगे तो उन्होंने ये साफ कहा कि मेरी जो प्राथमिकता थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने की थी, बस मेरी जो प्राथमिकता है वो पूरी हो चुकी है, अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि मुझे कहां रखते हैं, किस तरह से रखते हैं। तो साफ तौर पर उनकी स्थिति एकदम स्पष्ट है,
वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सांसदों की बात कर रहे हैं कि किस पार्टी के कितने सांसद जीत कर आए हैं, तो हम पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकते। 100% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे अव्वल आई है पवन। देखिए जाहिर तौर पर, लेकिन उस समय स्थिति कई सारी अलग अलग तरह की स्थितियां, हर राज्य के हिसाब से अलग अलग स्थिति है। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से दो नाम सामने आए हैं, एक है राममोहन नायडू और दूसरे हैं चंद्रशेखर, जो दोनों ही टीडीपी से बिलोंग करते हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पवन कल्याण की जनसेना जो है वो यहां मोदी सरकार में शामिल नहीं होगी, वो अपना जो है पवन कल्याण जो है वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं आंध्र प्रदेश के, तो वो वहां आंध्र प्रदेश की जो एनडीए सरकार है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में जो बनने जा रही है वो वहां शामिल हो सकते हैं। अभी तक खबरों सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि शायद वो पवन कल्याण जो है वो यहां दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल ना हो, वो आंध्र प्रदेश की सरकार में शामिल होंगे। कई सारी खबरें निकल के आ रही है, लेकिन स्थिति एक बार जब शाम को शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो पूरी पिक्चर जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पीएम आवास, ये बताइएगा, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि राजस्थान से कितने नाम जो है सबसे आगे चल रहे हैं पवन। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तमाम जो नेता जो हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है वो पहुंच चुके हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी, ये तीनों प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ नेता यहां जो है वो और भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी जो स्थिति स्पष्ट जब होगी प्रधानमंत्री आवास पर, जब बैठक खत्म होगी, जब नेताओं के निकलने का दौर शुरू होगा, तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि राजस्थान से सिर्फ ये तीन ही मंत्री बनने वाले हैं या इनके अलावा कुछ और नाम भी शामिल हैं। चूंकि इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसा राजस्थान में रहा नहीं है। पिछली बार एनडीए ने 25 में से 25 सीट जीती थी, जो उसमें जब एक आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी शामिल थी एक सीट पर, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो ऐसी उम्मीद है कि पिछली बार जितने मंत्री तो थे पवन कम सीटों का खामियाजा क्या इस बार राजस्थान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप बता रहे पिछले अगर हम दो लोकसभा आम चुनाव की बात करें तो मंत्री पद की रेस में राजस्थान से थोड़ा ज्यादा नामों की चर्चा सामने आई थी, लेकिन इस बार जैसा आप बता रहे हैं कि दो बार के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार सीटें कम रही है, तो क्या कम सीटों का खामियाजा इस बार राजस्थान को भुगतना पड़ेगा? देखिए बात सिर्फ नफा और नुकसान की नहीं होती, उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। जिस तरह से आपके जितने सांसद जीत के आते हैं उसके हिसाब से आपके राज्य को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पहले 25 में से 25 सांसद आपके जीत के आए थे तो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस बार आपके कम। बिल्कुल पवन, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से किन नवनिर्वाचित सांसदों का नाम जो है वो आगे चल रहा है और एक एक पल पल की अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 7 बजे यानी 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और उससे पहले उनके आवास पर जो है नव निर्वाचित सांसदों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। बता चुके 11:30 उन्होंने बैठक बुलाई थी चाय पर चर्चा के लिए, नव निर्वाचित सांसदों को बुलाया था उनसे बातचीत करने के लिए, और हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से किन सांसदों का नाम जो है वो आगे चल रहा है। पवन, अगर सांसदों की बात करें तो लुम्बाराम का बताया जा रहा था नाम जो है वो चौंका सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सियासी गलियारों में अभी तो देखने को नहीं मिल रहा, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए कई सारे नामों पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये अपना अधिकार होता है किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करें। कयास कई सारे नामों को लेकर उड़ाए जाते हैं, उसमें जातीय समीकरण होता है, उसमें क्षेत्रीय समीकरण होता है, उन सबको साधने के हिसाब से कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है किस किस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको किस तरह का पोर्टफोलियो देना है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो अभी तक सिर्फ तीन नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो वो पिछले कार्यकाल में भी मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन भागीरथ चौधरी जो है वो उनको यहां जो नया मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जा सकता है। वो प्रधानमंत्री आवास वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी चाय पर चर्चा जो प्रधानमंत्री के साथ हो रही है उसमें वो शामिल है। तो फिलहाल जो है राजस्थान से सिर्फ तीन नामों
का ही चर्चा लगातार जारी है। उसके अलावा जो पूरी जो पिक्चर है, जब यहां से बैठक खत्म होगी और तमाम नेताओं का निकलना जब शुरू होगा, उसके बाद में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ तीन ही नाम राजस्थान से शामिल होंगे या उनके अलावा कुछ और नाम भी शामिल होंगे। पवन, बीजेपी के बारे में सियासी गलियारों में कहा जाता है कि कोई भी कार्य वो बिना सोचे समझे या किसी रणनीति को साधे बिना नहीं करती है। अगर भागीरथ चौधरी की बात करें तो कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर उनके जरिए की जा रही है, थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, राजस्थान किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ये कोशिश थी, चाहे राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर बात करें लोकसभा की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के द्वारा ये प्रचार किया गया था कि बीजेपी जो है किसानों के हित में फैसले नहीं लेती है, किसानों के हित में काम नहीं करती है। और भागीरथ चौधरी ने कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जाकर बहुत सारी बातचीत की, किसानों के बीच में जाके ये कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की कि बीजेपी जो है वो लगातार किसानों के हित में फैसले लेती है। किसान मोर्चा के राजस्थान के अध्यक्ष रहे तो कई सारे गोष्ठियां, कई सारे कार्यक्रम लगातार किसानों के बीच में भागीरथ चौधरी के द्वारा किए गए, बहुत सारे काम जो है वो कहीं ना कहीं भागीरथ चौधरी के द्वारा किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश है कि भागीरथ चौधरी जो है कि जरिए कि किसानों की हितैषी और जो किसान वर्ग से जो लोग निकल कर आते हैं उनको मोदी सरकार में जगह मिलती है, और यही जो कारण है कि भागीरथ चौधरी को मोदी सरकार में जगह दी जा रही है। पवन, क्या ऐसा कोई विकल्प अभी आपको खुला हुआ नजर आ रहा है कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि फाइनल नामों की सूची अभी सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ नामों पर चर्चा चल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी राजस्थान से पहले टर्म में कम मंत्री बनाए जाएं और उसके बाद दूसरा टर्म जब आए तो उसमें ज्यादा मंत्री बनाए जाए, ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आ रहा है क्या कि खुला हुआ है? देखिए, चूंकि अभी जो मंत्रिमंडल में अभी जो चर्चा जो नामों पर चल रही है, वो जो लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं उनके नामों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। चूंकि जो प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं ऐसा माना जाता है कि उनका मंत्रिमंडल में मंत्री बनना तय है, तो फिलहाल खबर यही आ रही है कि ये तीन जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं और इनका जो मंत्रिमंडल बनना है प्रधानमंत्री के जो तीसरे कार्यकाल का, उसमें उनका मंत्रिमंडल तय माना जा रहा है। बाद में किस तरह के इक्वेशंस होंगे, कब आगे का विस्तार होगा, किस तरह से क्या होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी सीट आप जीत के आते हैं किसी राज्य के अंदर उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो पिछले कार्यकाल में 14 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए थे, क्योंकि 64 कुल मंत्री जो थे, 64 जो सांसद थे वो एनडीए के उत्तर प्रदेश से जीत के आए थे। तो ऐसे में अब इस बार जो है सिर्फ 36 ही सांसद एनडीए के जीत के आए हैं, तो 14 से घटाकर इस बार 6 या 7 मंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से बनाए जाते हैं जा सकते हैं एनडीए समेत। तो ऐसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो पिछली बार 25 में से 25 जो थे वो सांसद एनडीए जीत के आई थी, इसमें 24 बीजेपी के थे, एक आरएलपी का था। इस बार चूंकि वहां कम संख्या जीत के आई है तो उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाना है। तो राजस्थान को संभवतः तीन ही मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में मिलने जा रहे हैं, और फाइनल नामों पर जब मोहर लग जाएगी तो कितनी देर में इन मंत्रियों को सूचित कर दिया जाएगा? पवन, देखिए, जिसको मंत्रिमंडल में शामिल होना है उसको सूचित कर दिया गया है, और सूचना मिलने के बाद ही वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो यानी यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर जो पहुंच चुका है उसका मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी का मंत्री बनना तय है, ये आप मान लीजिए। जो प्रधानमंत्री आवास पर जो लोग, जो नेता सांसद जो यहां पहुंचे हुए हैं उनका मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है, और राजस्थान से फिलहाल जो खबर आ रही है वो सिर्फ भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ही यहां प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं चार पर चर्चा में शामिल होने के लिए। बैठक अभी चल रही है पवन, चाय पर चर्चा। जी, अपने पीछे की तस्वीर में आपको दिखा दूं कि लगातार ये जो गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहां खड़ी हुई हैं, ये उन्हीं सब मंत्रियों की, नेताओं की गाड़ियां हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। दोपहर 12 बजे से ये बैठक बुलाई गई थी, अब तक ये बैठक जारी है, चाय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने तमाम जो मंत्रिमंडल के जो आगामी मंत्रिमंडल जो बनने वाला है उसके जो सहयोगी हैं उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है अगले कार्यकाल में। जो पुराने सहयोगी हैं वो अब वहां पहले से मौजूद है, उनके साथ साथ जो कुछ नए सांसद हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना है उनको बताया जाएगा कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको जो आपके अनुभवी सहयोगी हैं उनके साथ बातचीत करके कैसे आपको समझना है, आपसे पहले जो मंत्री था उससे आपको बातचीत करनी है और उससे समझना है कि कैसे आपको आपसे पहले जो मंत्री थे वो कैसे आपके मंत्रालय में, आपके विभाग में काम कर रहे थे। तो